विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा, यानी कि भारत में ये दो ही स्थान पर जो है ये गरुड़ आपको देखने को मिलता है। जो यह देखिए ये फ्लाई करते हुए किस प्रकार से यहाँ से क्रॉस कर रहा है, और लेकिन जो है वो लोग अपना पेड़ और घोंसला बदलते रहते हैं, तो इस बार कहाँ पर वो लोग मिलेंगे वो देखने वाली बात होगी। गरुड़ का घोंसला किधर है? आगे है, उधर भी है। अच्छा हाँ, इधर इधर वो सामने में, सामने में उधर उधर देख सूरज देख रहे हैं। हाँ उधर उस पेड़ पे खाली गरुड़ है, उसी मर जो गाछ। हाँ हाँ, ये जो है ना ये बच्चा है, उड़ना सीख रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज राय ब्लॉग में, और आज एक बार फिर से हम आपको गरुड़ प्रजनन क्षेत्र भागलपुर जो है घुमाने के लिए लेकर के आए हुए हैं। भागलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर जो है यह स्थित है, और हमारे साथ आज रहेंगे हमारे फ्रेंड सूरज कुमार, और ये अभी फिलहाल 10 वर्षों से जो है भारत के नेवी में जो है अपना सेवा दे रहे हैं, तो इनके साथ चलेंगे और इनको भी जो है गरुड़ का यहाँ पर दर्शन करवाएंगे। तो इधर देख सकते हैं ये विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा, यानी कि भारत में ये दो ही स्थान पर जो है ये गरुड़ आपको देखने को मिलता है, जो कि एक बिहार के भागलपुर में और एक भारत के जो है असम राज्य में जो है यह मिलता है, और यह भारत का जो है पहला गरुड़ का प्रजनन क्षेत्र है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में जो है गरुड़ पाया जाता है। दूसरे स्थान पर जो है असम को माना जाता है, और तीसरे स्थान पर जो है कंबोडिया को माना जाता है, जहाँ पर कि गरुड़ का प्रजनन किया जाता है। तो हम लोग चलेंगे और आपको जो है दिखाएंगे गरुड़ प्रजनन क्षेत्र, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो हम लोग चल रहे हैं और आपको जो है गरुड़ प्रजनन का जो है क्षेत्र भ्रमण करवाएंगे। ये भागलपुर से मधेपुरा की तरफ जो हाईवे जाता है ये 4 लेन, उसी पर जो है हम लोग चल रहे हैं। यहाँ रास्ते में जो है कुर्सी का ब्रिज है, उसको पार करते हुए जो है गरुड़ क्षेत्र पहुँचेंगे। तो इधर देख सकते हैं ये कुर्सी का जो ब्रिज है वो यहाँ से प्रारंभ हो चुका है। इधर देख सकते हैं काफ़ी सुंदर व्यू जो है इस कोसी नदी का यहाँ पर। इधर भी देख सकते हैं ये पुल के उस साइड में, ये ब्रिज जो है नवगछा 0 माइल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा। सारे जगह पर जो रास्ता यहाँ से निकलता है वो इधर देख सकते हैं। बस 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 यहीं से चलना है, यहीं से, यहीं पीछे वाला रास्ते से चलना है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर ये कदवा दियारा में, और यहाँ से जो है मेन रोड से हम लोग चलेंगे अंदर, और नदी किनारे जो गांव है वहीं पर जो है पेड़ पर ये लोग अपना घोंसला बना करके गरुड़ पक्षी जो है प्रजनन करते हैं, और हम आपको जो है लेके चल रहे हैं यहाँ मेन रोड से अंदर गांव में। इधर काफ़ी खेत खलिहान जो है चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हम लोग गाँव के अंदर आ चुके हैं। लोग यहाँ पर इस कदवा दियारा में आ चुके हैं, और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है गरुड़ प्रजनन का, और यहीं से जो है आगे रास्ता जाता है, और हम लोग आगे चलेंगे और जो है आपको फिर गरुड़ का जो है वो घोंसला को दिखाएंगे। तो हम लोग आगे चल रहे हैं और जो है देखते हैं गरुड़ का घोंसला हम लोगों को आगे कहां तक मिलता है। वैसे तो हमने जो है पिछले ब्लॉग में भी जो है गरुड़ का यहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है, और लेकिन जो है वो लोग अपना पेड़ और घोंसला बदलते रहते हैं, तो इस बार कहाँ पर वो लोग मिलेंगे वो देखने वाली बात होगी। गरुड़ का घोंसला किधर है? उधर भी है। अच्छा, ये ऑफ रोड है बिल्कुल, जो है यहाँ पर सड़क नहीं है। और इधर इधर वो सामने में उधर उधर देख सूरज देख रहे हैं। हाँ उधर उस पेड़ पे खाली गरुड़ है, उसी मर जो गाछ है उस पे हाँ देखिए बच्चा है अभी उड़ाता है। अच्छा, खेत को पार करके जा सकते हैं क्या? जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो नेट दिया हुआ है ना, वो घुस अभी 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 अंडा देता है ना वो। हाँ, अभी अंडा बच्चा का सीजन है। अभी चल के आगे देखते हैं हम लोग गरुड़ को। चलो ना इधर से चले जाते हैं। तो इधर हम लोग जो है देख सकते हैं ये खेत में चलेंगे, और इस खेत से होते हुए जो है गरुड़ का जो ये सामने में बड़ा सा पेड़ है उस पर जो है बहुत सारा घोंसला जो है इस गरुड़ का यहाँ पर बना हुआ है, और बड़े वाले घोंसले का जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। देखें मैन से कि अब की प्रजनन रेट छो की प्रजनन करे के जे छे क्षमता छे एकरो केना जे छे एकरो भरण पोषण के पावर छे, वहु पर डिपेंड करे छे कि
ये एकरो संख्या बढ़ना घटना न, तो देख सकते हैं ये सामने में जो है बड़ा सा ये पेड़ है सिमर का। इस पेड़ पर जो है काफ़ी सारा घोंसला बना हुआ है और इधर देख सकते हैं ये गरुड़ सब जो है दिख रहा है, इधर एक दो इधर तीन। इधर देख सकते हैं ये वन विभाग के द्वारा ने जो पेड़ के नीचे में ये जाल लगाया हुआ गया है ताकि कोई भी अंडा यदि गिरे तो इस जाल में गिरे और अंडा गिरने के बाद फूटे ना और कोई भी जो है जानवर उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए जो है यहाँ पर ये जाल लगाया गया है। यदि कोई अंडा गिरता है तो यहाँ के ग्रामीणों द्वारा जो है वन विभाग को सूचित किया जाता है, वो फिर जो है उसको उस घोंसले तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये विष्णु भगवान का जो गरुड़ पक्षी को सवारी माना गया है। तो पेड़ के नीचे जो है हम लोग बिल्कुल आ चुके हैं और इधर ये देख सकते हैं ये यहाँ पर फ्लाई करते हुए, ये देख सकते हैं इधर ये फ्लाई कर रहा है, इधर देख सकते हैं ये क्या कैसे आवाज़ कर रहा है, यहाँ ये दिख रहा है आप देख सकते हैं। ये गरुड़ यहाँ पर जो बैठा हुआ है ये टहनी के बीचों बीच देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इसका घोंसला बना हुआ है। ये जो है ना ये बच्चा है उड़ना सीख रहा है अभी, ये देख सकते हैं ये बच्चा जो है ये उड़ना सीख रहा है अभी, सब बच्चा है अभी जो देखा ना। तो तीन ठो यहाँ पर देख सकते हैं ये सामने वाले पेड़ पर जो है एक गरुड़ का बच्चा बैठा हुआ है, ये देखिए बच्चे को, ये बच्चा है अभी जो कि अभी यहाँ पर जस्ट उड़ना सीख रहा है ये गरुड़ का बच्चा। और ये देखिए बड़े वाले पक्षी को, ये बड़ा वाला पक्षी देख सकते हैं किस प्रकार से जो है उड़ के जो है दूसरे पेड़ पर उधर चला गया है, वो देख सकते हैं वहाँ पर जाकर बैठा है वो। और ये देखिए इधर से एक उड़ता हुआ आ रहा है और ये भी जो है बच्चा है यहाँ पर और इसी पेड़ पर जो है बैठेगा। इधर देख सकते हैं ये बच्चा अभी यहाँ पर उड़ना सीख रहा है, देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पेड़ के चारों तरफ ये फ्लाई कर रहा है। और उधर देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर फिर से ये वापस घूम करके आ रहा है और इसी पेड़ पर जो है यहाँ पर बैठेगा देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए इधर ये बिल्कुल अभी जो है बच्चा है और उड़ने का जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। इधर देख सकते हैं ये दोनों जो है किस प्रकार से यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये दो बड़ा पक्षी जो है बैठा हुआ है, एक उधर घोंसले में है और इधर एक सामने में आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सब बच्चा सब जो है यहाँ पर फ्लाइंग कर रहा है उस पेड़ पे बहुत सारा है, हाँ उधर बहुत, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लाइंग करते हुए इसको। ये देख सकते हैं बड़ी दिन से छे ये यहाँ पर जो है दस ये एक छोटा सा जो है गरुड़ यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है और यहाँ तो इधर देख सकते हैं यहाँ पर इस पेड़ पर जो है काफी सारा जो है गरुड़ बैठा हुआ है जो है देखभाल कर रहा है, देख सकते हैं एक उड़ता हुआ फिर यहाँ पर जो है आकर के बैठा हुआ है। पर देख सकते हैं सूर्यास्त हो चुका है और हम लोग जो है अब निकलने का तैयारी कर रहे हैं। यह देखिए ये फ्लाई करते हुए किस प्रकार से यहाँ से क्रॉस कर रहा है, काफ़ी बड़ा पक्षी जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं और ये आगे जा कर के जो है किसी पेड़ पर बैठेगा। और इधर देख सकते हैं कि ये देखिए इधर ये काफ़ी बड़ा पक्षी जो है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से उड़ते हुए जा रहा है। फ्रेंड्स आज हम लोग देख रहे थे भागलपुर के गरुड़ प्रजनन क्षेत्र को जो कि विश्व का यहाँ पर जो है सबसे लार्जेस्ट गरुड़ प्रजनन क्षेत्र के रूप में जो है घोषित किया गया है। ये भागलपुर जो है सबसे बड़ा स्थान जो है सबसे बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर गरुड़ पाया जाता है। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय।